अशोक के इस बाग में किसने फैलाया शोक, तने को ही चुभ रही है तेज पंखुड़ियों की नोक। तुम्हारा जाना सामान्य नहीं, खुशी के युग का है अंत। संवाद भी हो रहा असहनीय, मन भी अंदर से है आक्रांत। मंगेश के मंदिर में शांत हो गया ओंकार, घंटी के बजाने पर भी देखो नहीं है कोई शोर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सपना मदेश और आप देख रहे हैं टुडे 24। बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सामग्री लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उम्र 92 साल हो चली थी, कोरोना और निमोनिया से 29 दिन लड़ी थी, लेकिन आखिरकार रविवार सुबह 8:15 बजे हम सबको, देश को, दुनिया को अलविदा कह दिया। इलाज मुंबई के ब्रेंज कैंडी अस्पताल में चल रहा था। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा। लता जी के पार्थिव देह दोपहर करीब 1:10 पर प्रभु कुंज स्थित उनके घर पहुंची, यहाँ आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। अंतिम संस्कार आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क के शमशान में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि वे कुछ देर में मुंबई रवाना होंगे। आपको बता दें, भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे और हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज की तरफ से लता मंगेशकर जी के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि।